आरपीआई ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। नवंबई मनपा चुनाव के लिए मांगी 10 सीटों की हिस्सेदारी। प्रभारी जगदीश गायकवाड़ बोले, सम्मान नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई ने नवंबई मनपा चुनाव की 111 सीटों में से 10 सीटों पर अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। आज वाशी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदास आठवले की पार्टी रिपाई के नवंबई प्रभारी जगदीश गायकवाड़ ने कहा कि हम बीजेपी से सम्मान के साथ 10% की हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर हमें यह सम्मान मिलता है तो ठीक है, वरना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने दम पर मनपा चुनाव में उतरेगी। रिपाई नेता जगदीश गायकवाड़ ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। तो न्यू बॉम्बे के जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हमारे पार्टी के 5 मेंबर चुन के देना, 10 मेंबर चुन के देना या 50 मेंबर चुन के देना, इसके लिए लिया हुआ है। और ये प्रेस में मुझे विश्वास है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये न्यू बॉम्बे में हमारा कॉर्पोरेटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजेगी, ये हमारी उम्मीद को लेके लड़ेंगे, लड़ने की तैयारी है। 10% मांग हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया है। अभी इसमें जो भी बंटवारा होएगा उसमें हमारे हिसाब से बंटवारा होएगा तो हम समाधान रहेंगे। हमारा पाजे दी टिकट ना भेटली निर्णय दिला कि स्वतंत्र स्वभाव लड़ना। बताना जरूरी है कि मनपा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में अच्छी जुगलबंदी चल रही है। ऐसे में बीजेपी और गणेश नाइक के लिए रिपाई जैसे सहयोगी को साथ रखना मजबूरी है। हालांकि सच ये भी है कि दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाली आरपीआई का नवी मुंबई में कोई मजबूत जनाधार नहीं है। ऐसे में रिपाई के सहारे गणेश नाइक नवी मुंबई मनपा में बीजेपी को सत्तारूढ़ कर पाने में कितने सफल होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। म्हणून मी सांगतो, जसं पनवेलला घडलं म्हणून आम्ही आमचा उमेदवार का देतो, आम्ही इथं वेल क्वालिफाईड देतो, सुशिक्षित उमेदवार देतो। आम्ही देताना डॉक्टर, वकील, इंजिनियर या धर्तीवरचे उमेदवार देतो, म्हणजे त्याची स्वातंत्र्य जो आहे, भारतीय संविधानाने त्याला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, तो स्वातंत्र्य त्याच्या अधिकाराने मांडेल। दबाव तंत्र जे असतात ते सभागृहाच्या बाहेर, सभागृहात दबाव देण्याची कोणाची हिंमत नसते आणि सभागृहात कोण दम देऊ शकत नाही। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।